हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। देखिए, आज हमारा 11th क्लास के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट है आपका बायो, और टॉपिक जो है आपके आज दो टॉपिक है वो है, देखिए सबसे पहला है कि वर्गीकरण की आवश्यकता, ये टॉपिक है आपका। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहली बात कि वर्गीकरण का अर्थ, कि वर्गीकरण होता क्या है। देखिए, कुछ समान लक्षणों के आधार पर किसी भी चीज़ों को अलग अलग वर्गों में बांटना या समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। तो देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसमें जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जो आपने पढ़ा था इससे पहले, जो टॉपिक था आपका वो था क्या, जीवों में विविधता। तो जीवों में विविधता की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, तो मैंने आपको बताया कि जीवधारी जो होते हैं, देखिए कई प्रकार के जीवधारी होते हैं। जीवधारी जो हैं जितने भी, एक तरीके के तो हैं, उसमें कुछ लक्षणों के आधार पर जंतुओं को अलग रखा गया है और पौधों को अलग रखा गया है। ठीक है भाई, तो क्या है, लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर 17 लाख से 18 लाख जातियाँ पाई जाती हैं, और उसमें हमने आपको बताया था कि जो पौधे क्या होता है, पौधों की जातियां जो हैं वो 2,70,000 के लगभग हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या है, जितने भी जीव जंतु हैं सब उसमें क्या है, इतनी बहुत अलग अलग प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। तो उन जातियों का अगर हम स्टडी करने लगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी भी स्टडी नहीं हो पाएगी। अगर हम एक दिन एक जीवधारी का अध्ययन करें तो क्या होगा, हमारी पूरी ज़िंदगी भी काफ़ी नहीं रहेगी कि हम स्टडी कर सकें। तो इसलिए क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या करा है, सभी जीवधारियों को कुछ सामान्य लक्षणों के आधार पर उन्हें क्या है, अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है, अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है, जिससे कि उसकी स्टडी अलग कर सके। जैसे कि आप, मैं अगर आपसे कहूं कि वर्ग स्तनधारी है, आपने हाई स्कूल के अंदर पढ़ा होगा, आप एग्ज़ाम देकर गए हैं हाई स्कूल में, तो वहाँ पर बात आती है कि क्लास मैमेलिया। तो क्या क्लास मैमेलिया का जब नाम लेते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि क्लास मैमेलिया में क्या क्या आते हैं, घोड़ा आता है, मनुष्य आता है, हाथी आता है, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सब क्या होते हैं, ये स्तनधारी के अंदर आते हैं, वर्ग स्तनधारी के अंदर आते हैं। अगर हम वर्ग हमें पता है तो हम क्या है, वर्ग स्तनधारी का नाम आती है हमें क्या है, उसके लक्षणों का भी, वो जीवधारी जिनके मुंह में दांत होते हैं, जिनका शरीर बालों से ढका होता है, जो जिनके क्या होते हैं बाह्य कर्ण जो बाहर को लगे होते हैं, जैसे हमारे कान हैं, कान ये कर्ण पल्लव हैं, तो इसी तरीके से जितने भी जीवधारी क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके कान होते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, वो बच्चे को पैदा करने वाली होती है मादाएँ, और दूध पिलाती हैं उन्हें। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे ऑटोमेटिक एकदम दिमाग में आ जाएगा। पक्षी वर्ग की बात करते हैं, तो पक्षियों की बात करते हैं तो आपको जिनके मुंह में चोंच होती है, ठीक है, जिनके आगे पग हाथ जो होते हैं वो अगले वाले अग्रपाद यानी अगले हाथ जो होते हैं वो परों में चैन हो जाते हैं, सिर्फ दो टांग होती है, और पूरा पग जो होता है परों से डरा, पूरा शरीर जो होता है वो परों से ढका होता है, वो अंडे देते हैं। इसी तरीके से रेप्टाइल की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में एकदम उसके लक्षण आ जाते हैं कि जो रेंग करके चलने वाले होते हैं, जिनके मुंह में दांत होते हैं, जो अंडे देते हैं, एक लंबी पूंछ होती है। तो ये क्या है, ये सब लक्षण कहाँ से आते हैं, हमारे वर्गीकरण के उससे आते हैं। वर्गीकरण में मैंने आपको पहले बता दिया कि उस समान लक्षणों के आधार पर उन्हें क्या है, वर्गों में बांट दिया जाता है जीवधारी को। इससे क्या होता है, अगर हम एक वर्ग का स्टडी करेंगे तो उससे संबंधित सभी वर्गों, एक वर्ग की अगर स्टडी करेंगे, एक जीवधारी की स्टडी कर ली तो क्या होगा, उससे संबंधित ज़्यादातर लक्षणों का, यानी जितने भी जीवधारी हैं उन सब के बारे में हम क्या है, मोटी मोटी बात जान चुके होते हैं। ठीक है, तो इसमें समय बचता है, और क्या होता है, साथ के साथ भी समय भी बचता है, और बहुत सारे जीवधारियों के बारे में नॉलेज हो जाती है वर्गीकरण से, तो वर्गीकरण इसलिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ओके, ये होते हैं, आइए देखिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट हमारा दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है हमारा ये डोमेन, जीवन के तीन डोमेन, ये टॉपिक नंबर 2 है। तो जीवन के तीन डोमेन जो है, ये कार्ल बुज एक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1990 में तीन जितने भी जीवधारी हैं उन सबको तीन डोमेन में बांट दिया गया। ये जगत से भी बड़ा वर्ग होता है, टैक्सास होता है डोमेन,
ठीक है। तो देखिए जगत में क्या होता है, सिर्फ जंतु जगत या पादप जगत बड़े, लेकिन इनसे भी बड़े क्या है, डोमेन है। डोमेन, डोमेन का नाम दिया गया है बरगद को। तो डोमेन क्या होता है, ये तीन तीन भागों में बांटा गया है, बांटा उसने। नंबर एक डोमेन बैक्टीरिया, नंबर दो डोमेन आर्चिया, नंबर तीन डोमेन यूबैक्टीरिया। ओके, नंबर एक डोमेन बैक्टीरिया, नंबर दो डोमेन आर्चिया, नंबर तीन डोमेन यूबैक्टीरिया। ओके, तो इसके अंदर इन्होंने क्या है, बहुत सारे जीवाणुओं को रखा, जितने ज्यादातर सभी प्रोकैरियोटिक जीवाणु थे, सभी जीवाणुओं को उन्होंने क्या करा, इसके अंतर्गत रख दिया। प्रोकैरियोटिक, ये हमने पहले पढ़ाया था आपको 9 क्लास के अंदर भी, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक यानी प्रारंभिक केंद्रक वाली कोशिकाएं, तो ऐसे जीवाणु जिनके अंदर प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, यानी कि ज्यादातर जीवाणु यही पाया जाता है, तो सभी जीवाणुओं को इसके अंदर रख दिया गया। और ये क्या है, डोमेन आर्चिया, डोमेन आर्चिया को आर्किबैक्टीरिया, यानी इससे पहले जो प्राचीन बैक्टीरिया पाए गए थे, डोमेन आर्चिया जो आर्किबैक्टीरिया को रखा। आर्किबैक्टीरिया इतने सेंसिबल होते हैं कि ये जो होते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पर भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है, ऐसी जीवधारियों को, या अधिक लवणीयता वाले या अधिक अम्लीयता वाले पानी के अंदर भी क्या हो सकते हैं, ये जीवित रह सकते हैं। तो ऐसी जीवधारियों को जो प्राचीन आर्चिमानी क्या होता है, प्राचीन, तो प्राचीन बैक्टीरिया थे, प्राचीन बैक्टीरिया थे, उनको रखा गया था इसमें। आगे जो थे डोमेन यूबैक्टीरिया, डोमेन यूबैक्टीरिया के अंतर्गत क्या था, जितने भी प्रोकैरियोटिक तो उसमें रखे गए होंगे, और ये जितने भी क्या थे यूकैरियोटिक जीवधारी थे वो डोमेन यूबैक्टीरिया। ओके, इतने भी क्या होते हैं यूकैरियोटिक।